हेलो दोस्तों, आज हम साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की अपकमिंग मूवी हंगरी चीता के बारे में जानेंगे। पवन कल्याण ने अपने 52वें जन्मदिन के अवसर पर ओजी फिल्म के फर्स्ट लुक के टीजर को जारी कर दिया है। फिल्म के टीजर में पवन कल्याण हाथ में तलवार लिए खून बहाते हुए खतरनाक रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर फैंस का एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ गया है। आखिरी बार पवन कल्याण साई धर्म तेज की फिल्म ब्रो में नजर आए थे, जिस फिल्म को फैंस ने पसंद नहीं किया। ऐसे में इस फिल्म के टीजर से पवन कल्याण के फैंस काफ़ी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे उन्हें निराश नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हंगरी चीता फिल्म में पवन कल्याण एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आ सकते हैं। फिल्म में पवन कल्याण के साथ प्रियंका अरुल मोहन भी मुख्य भूमिका में होंगी। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भी मुख्य रोल में नजर आ सकते हैं। फिल्म के टीजर में गजब के डायलॉग्स बोले गए हैं जो लोगों के होश उड़ा देंगे, जैसे कि 10 साल पहले बम्बई में एक तूफान आया था जिसने आधे बम्बई को अपने नक्शे से मिटा दिया था, लेकिन उसकी तलवार से कटे हुए लोगों का खून आज तक कोई तूफान नहीं मिटा सका। लेकिन अब अगर वो बम्बई आ रहा है तो शैतान भी उसे देखकर घबरा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।